नमस्कार। पहले हम टाइटल के बारे में बताते हैं आपको। कई लोगों ने हमसे पूछा है कि 11 KV, 33 KV, 132 KV, 220 KV क्यों होते हैं? क्या ये फॉर्म फैक्टर की वजह से हैं, या वोल्टेज ड्राइव की वजह से, या कोई और बात? तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ हमने बहुत से वोल्टेज लिखे हैं जो कि प्रयोग में आते हैं। 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 11 KV, 33 KV, 132 और 220। मगर यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें कुछ फेज वोल्टेज हैं और कुछ लाइन वोल्टेज। जैसे ये दोनों फेज वोल्टेज हैं, ये लाइन वोल्टेज नहीं है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन वोल्टेज है। जो 11 KV होता है वो लाइन वोल्टेज होता है, फेज वोल्टेज नहीं होता। तो हम फेज और लाइन को एक साथ नहीं करते, अलग अलग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है फेज वोल्टेज, ये सब फेज वोल्टेज हैं, और यहाँ लाइन वोल्टेज, ये सब लाइन वोल्टेज हैं। तो ये दोनों फेज वोल्टेज इधर लिखे हैं। 110 वोल्ट का फेज वोल्टेज है तो लाइन वोल्टेज 190 आता है। 220 का लाइन वोल्टेज 381 हो जाएगा। इसी प्रकार 11 KV से 220 KV तक लाइन वोल्टेज होते हैं, तो हमने यहाँ लिखा है ये लाइन वोल्टेज। इनको फेज वोल्टेज में बदलें तो √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 KV हो जाएगा 6.4 KV, 33 KV हो जाएगा 19 KV, और 132 KV हो जाएगा 76 KV, और 220 KV का फेज वोल्टेज होता है 127 KV। तो या तो हम इन सब का कंपोजिशन करें या इन सब का करें, ये नहीं कि थोड़े इधर के और थोड़े इधर के। अब अगर हम फेज वोल्टेज लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 11 कहीं नहीं है, खाली यहाँ और यहाँ है। अगर हम लाइन वोल्टेज लेते हैं तो यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पर सब में है, ये 11 से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना? तो सारे वोल्टेज 11 से डिवाइड नहीं होते। अब आगे देखते हैं। अब हम वोल्टेज ड्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक हमने जनरेटर दिखाया है, ये ट्रांसमिशन लाइन है और ये लोड है। ये 3 फेज लाइन है, हमने सिंगल लाइन दिखाई है, ऐसे ही दिखाते हैं। और ये दो ट्रांसफार्मर लगे हैं, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर और इधर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे लोड लगा होगा तो इसमें करंट बहेगी, तो इस लाइन में ड्रॉप होगा। अब क्या होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना लाइन में, वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है लोड टाइप, यहाँ पे आर लगा है, एल लगा है या सी लगा है, सबकी वजह से ड्रॉप अलग अलग होता है। आप सी लगा देंगे तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा, एल लगा देंगे तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा कम होगा, आर लगाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा कम होगा। एल और सी का असर ज्यादा होता है वोल्टेज ड्रॉप में। दूसरा होता है लोड वैल्यू, ये लोड कितना है उसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तीसरा है लेंथ और नंबर ऑफ लाइंस, ये लाइन कितनी लंबी है, ज्यादा लंबी है तो ज्यादा ड्रॉप होगा, कम लंबी है तो कम ड्रॉप होगा, अगर दो लाइन है तो कम ड्रॉप होगा। फिर है लोकेशन ऑफ द लोड, ये जो लोड है यहां लगा है, लेकिन लोड यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लोड एक तो नहीं होता ना, लोड कई होते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से ये लाइन कानपुर को जा रही है और बीच में टैप करके लखनऊ को भेज दी, ठीक है ना? तो लोड और जनरेटर के बीच में लेंथ कुछ भी हो सकती है, लोड कई जगह हो सकता है। लोड अलग अलग जगह होगा तो अलग अलग लाइन की लेंथ होगी, तो वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा।
उसके बाद है वोल्टेज लेवल, यहाँ पे कितना वोल्टेज लेवल है उस पे भी डिपेंड करता है वोल्टेज ड्रॉप। जितना वोल्टेज लेवल ज़्यादा होता है परसेंटेज ड्रॉप कम होता है, वो लाइन अच्छी होती हैं। अदर लोड्स, यहाँ तो हमने एक लोड दिखाया है लेकिन बहुत से लोड हो सकते हैं, तो उन सब लोड की वजह से भी यहाँ पे ड्रॉप हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है इस पॉइंट पे जो ड्रॉप है वोल्टेज ड्रॉप, वो बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ड्रॉप 1% है या 5% है या 10% है, तो हम ड्रॉप के हिसाब से लाइन या वोल्टेज डिसाइड नहीं कर सकते। ड्रॉप वेरिएबल होता है इन सब चीज़ों की वजह से। अब एक बात और आपको हम बताते हैं, मान लीजिए लाइन 11 kV है, इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से 11 kV भेजेंगे तो यहाँ पे 10 kV मिलेगा, ऐसा नहीं है। 11 kV का मतलब है यहाँ पे हमें 11 kV मिलना है, यहाँ पे वो अपना वोल्टेज एडजस्ट करें या किसी और तरह से कंट्रोल करें। यहाँ पर वोल्टेज कई तरह से कंट्रोल हो सकता है, जैसे SVC लगाते हैं, सीरीज कंपनसेटर लगाते हैं। तो यहाँ हमें 11 kV का 10 kV नहीं चाहिए, यहाँ पे 11 kV चाहिए। उसके लिए यहाँ पे आपको 12-13 kV करना पड़ेगा, वो अलग बात है। तो फिर वो 11 का फैक्टर नहीं रह जाएगा, तो यहाँ 11 kV से यहाँ 10 kV आए, ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। हमको यहाँ पर 11 kV चाहिए, ठीक है ना। तो जो वोल्टेज ड्रॉप इस लाइन में है वो डिसाइड नहीं करता कि 11 होना चाहिए या 33 होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने दिखाए हैं वोल्टेज लेवल की हिस्ट्री वर्ल्ड में, ये हमने ढूंढ ढूंढ के कुछ लिखे हैं, इसके अलावा और भी होंगे। जैसे 1884 में, आज से करीब 125-30 साल पहले 2 kV DC का प्रयोग हुआ था। उसके बाद 1891 में 3 kV का यूज हुआ, ये DC है या AC मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इसी प्रकार 3.3 kV यूज किया 1895 में, फिर 1889 में 4 kV और 10 kV की AC सप्लाई ट्रांसमिट हुई, फिर 1907 में 110 kV AC ट्रांसमिशन हुआ, फिर 1914 में 150 kV AC ट्रांसमिट हुआ, फिर 1923 में 220 kV AC, उसके बाद 380 kV AC। तो अगर आप हिस्ट्री देखें तो ऐसा कहीं नहीं है कि शुरू में 11 kV या 33 kV या 11 का फैक्टर होना चाहिए या 220 वोल्ट होना चाहिए या 110 वोल्ट होना चाहिए, ऐसा हिस्ट्री में तो मिलता नहीं। ये तो हमने थोड़े से वोल्टेज बताए हैं, और भी बहुत से वोल्टेज होंगे, आप ढूंढिए तो आपको मिल जाएंगे। तो इनसे प्रदर्शित होता है कि 11 फैक्टर नहीं है इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या वोल्टेज लेवल यूज होते हैं। हमने सब लिखा है, थोड़े से हमने लिखे हैं, और भी बहुत सारे होंगे। जैसे फेज वोल्टेज यूज होता है, कहीं 110 वोल्ट, कहीं 220 वोल्ट, कहीं 230 वोल्ट। जो लाइन वोल्टेज है AC लाइन वोल्टेज, वो बहुत सारे यूज होते हैं, देखिए ढूंढ ढूंढ के हमने लिखे हैं, आपको और भी मिलेंगे। 415 वोल्ट, 11 kV, 25 kV, यह 25 kV इंडिया में यूज होता है रेलवे में, 33 kV, 34, 46, 63, 69, 161, 138, 132, 90, तो बहुत सारे वोल्टेज हैं। उसके बाद DC यूज होता है 500 kV, 800 kV। इसमें जो हमने लाइनें दिखाई हैं, यहाँ पर लाइन नहीं दिखाई, ये भी इंडिया में यूज होता है रेलवे के लिए, ये 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 इंडिया में यूज होते हैं और बाहर जगह भी यूज होते हैं, और बाकी सब बाहर कई देशों में प्रयोग होते हैं। तो अगर आप ये देखिए
तो जो एसी का इन्वेंशन हुआ था वो भारत में तो नहीं हुआ था, वो कहीं बाहर हुआ था। तो बाहर वालों ने, देश के, भारत देश से बाहर वालों ने डिसाइड किया 11 का फैक्टर लेना है या नहीं लेना। तो आप देखिए कि बहुत कम जगह ऐसा है जहाँ 11 से डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ, वो भी फेज वोल्टेज, इसका लाइन वोल्टेज भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, लाइन वोल्टेज जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो 1, 2, 3, 4, मुझे सिर्फ 4 जगह ऐसा नजर आ रहा है जहाँ पे 11 से डिवीजन है, बाकी सारी जगह 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, शायद एक आध और होंगे। तो 11 फैक्टर कम से कम मेरे हिसाब से कुछ है ही नहीं। मगर चूंकि इंडिया में घर से आप बाहर निकलते हैं, वहाँ पे ट्रांसफार्मर में लिखा रहता है 11 kV, तो हम कह देते हैं 11 kV सब जगह यूज होता है। लेकिन हम फिर बता दें, इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन इंडिया में नहीं हुई थी, बाहर हुई थी, उन लोगों ने डिसाइड किया होगा, और वो लोग स्वयं 11 kV यूज नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा जगह बहुत सारे वोल्टेज यूज करते हैं। इंडिया में डीसी भी यूज होता है, वो 500 kV है, 800 kV है। हमने एक 100 kV के प्रोजेक्ट में काम किया है, वहाँ पे डीसी 100 kV यूज होता था, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। मगर ये बात आप मन से निकाल लीजिए कि 11 नाम का कोई फैक्टर है। अब इंडिया में एक 100 kV भी यूज हुआ था डीसी के लिए, ये 1990 में हुआ है, इस प्रोजेक्ट में मैं था। उसमें हमने 100 kV डीसी रखा था और 100 MW पावर रखी थी, इसको बोला था हम लोग ने एक्सपेरिमेंटल HVDC लाइन। इसमें जो थायरिस्टर लगे थे उसके लिए ऑप्टिकल स्विचिंग और मॉनिटरिंग ऑफ थायरिस्टर्स वार डेवलप्ड इन ईयर 1980-85, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम था। उसमें रेक्टिफायर और इन्वर्टर को मिला के 1152 थायरिस्टर यूज हुए थे, और इनमें मैंने 2304 ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज की थी 1152 थायरिस्टर को स्विच करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए। तो ऑप्टिकल केबल कोई नई नहीं है, ये 35-40 साल पहले भी थी। जिस अब जो अभी तक हमने आपको डेटा दिए और बातें बताई, उसके हिसाब से जो वोल्टेज सिलेक्शन है वो फार फैक्टर या वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि 11 कोई फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा वोल्टेज यूज हुआ है जो 11 से डिवाइड नहीं होता। अब ये बात तो हो गई कि 11 कोई फैक्टर नहीं है, कम से कम मेरे हिसाब से, और वोल्टेज लेवल भी ना तो फार फैक्टर पे डिपेंड करता है ना वोल्टेज ड्रॉप पर, तो किस बात पे डिपेंड करता है? तो इट इज डिसाइडेड बाय डिजाइनर, जो डिजाइनर होते हैं वो डिसाइड करते हैं किस पॉइंट पर। मैं एक बात और बताऊं आपको, या कोई इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है या कोई नई वोल्टेज की डीसी ट्रांसमिशन बनाता है, वो डेवलपमेंट होता है, तो डिजाइनर जो होते हैं वो किस तरह काम करते हैं उससे भी आपको पता चलेगा। तो कैसे डिसाइड होता है? टेक्नोलॉजी अवेलेबल, सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या आता है, क्या अवेलेबल है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज हमारे पास हैं। ये नहीं कुछ भी बना दिया, फैसिलिटीज तो चाहिए ना। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी क्या कैपेबिलिटी है, जो डिजाइनर है उसकी योग्यता क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, और सिक्स सेंस भी काम करता है। ये जितने भी नए इन्वेंशन होती हैं या नए प्रोडक्ट बनते हैं या कोई नया डेवलपमेंट होता है, उसमें सिक्स सेंस काफ़ी काम करता है। आपको बड़ा विचित्र लगेगा लेकिन ये सही है कि डिजाइनर के मन में सोचता है कि चलो हटाओ ये, हम 90 kV नहीं यूज करेंगे, हम 95 करेंगे या 100 kV करेंगे, तो वो अंदर से आवाज़ आती है कि ये सही है ये गलत, हम इस पे काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। तो आदमी उसी पे काम करता है, कि वो किसी ने तो बनाया नहीं, वो तो पहली बार काम हो रहा है ना, तो और कोई उसको बता नहीं सकता, तो उसके मन में जो आता है, जो कर सकता है वो करता है।
उसके बाद रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद देखते हैं कि कंपोनेंट्स अवेलेबिलिटी क्या है। जब हम कुछ बनाएंगे तो हमें उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी, तो क्या हैं, नहीं तो हमें खुद बनाने पड़ेंगे सारे कंपोनेंट। तो हम कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें वो कंपोनेंट यूज हों जो मिलते हों। और फिर हम इकोनॉमिक से कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट भी तो देखनी पड़ती है ना, नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं, कोई फंड नहीं करेगा। तो ये सब बातें होती हैं कोई नई चीज़ बनाने के लिए। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम 100 किलो वोल्ट की चीज़ बनाना चाहते हैं। हमने कई वर्षों तक मेहनत करके 100 KV बनाई। जब उसको टेस्ट किया साइट पे तो वो सिर्फ 90 KV तक काम करता है, आगे फेल हो जाता है। फिर लोग पूछने लगे, आपने 90 क्यों सेलेक्ट किया? सेलेक्ट हमने नहीं किया था, हमसे उतना बना। एक ये भी कारण है, शुरू में जब डेवलप करते हैं, अभी तो टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो गई है, तो आपको समझ में आ गया ना कि ना फॉर्म फैक्टर डिसाइड करता है, ना वोल्टेज ड्रॉप डिसाइड करता है, और ना 11 का फैक्टर, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं। आज मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो मेरे विचार हैं, मुझे जो समझ में आया, जो मैंने डेटा कलेक्ट किए, जो मैंने 30 साल तक काम किया, इन सब बातों के हिसाब से मैंने आपको बताया। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।